वेलकम बैक टू द खुरापाती माइंड चैनल। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट कर सकते हैं ब्लूजे में फॉर लूप को यूज़ करके। तो इस वीडियो में मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ लेटर टी को। सबसे पहले एक क्लास डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर एक फंक्शन जिसका नाम मैंने रखा है लूप। तो अगर हम टी को ग्रिड सिस्टम में देखें तो हमें इसमें चाहिए 5 कॉलम्स जिसको हम डिक्लेयर करेंगे y और लिमिट रख देंगे 5 क्योंकि हमें चाहिए 5 कॉलम। और एक हॉरिजॉन्टल रोज के लिए चाहिए वेरिएबल जिसको हम डिक्लेयर करेंगे int x और उसकी रेंज रखेंगे लेस दैन इक्वल टू 7। तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा जो कि होगा आपका 5x7 के एरिया के बीच में। तो सबसे पहले इसको डालने के लिए हम फॉर लूप डिक्लेयर करते हैं जिसमें आउटर लूप में int x इक्वल टू 1 डाल देंगे, उसकी रेंज 7 और इंक्रीज कर देंगे। इसके अंदर इनर लूप रहेगा जिसकी वैल्यू y इक्वल टू 1 रहेगी और वो 5 से स्मॉलर रहेगा। अब इसमें देखें तो सारे एस्ट्रिक्स ऐसी जगह प्रिंट हो रहे हैं जहां x की वैल्यू 1 है या फिर y की वैल्यू 3 है। तो हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे और जहां जहां x की वैल्यू 1 है या कह सकते हैं x इक्वल इक्वल टू 1 वहां और y इक्वल इक्वल टू 3 वहां वहां एस्ट्रिक प्रिंट कर देंगे और बाकी जगह खाली स्पेस प्रिंट करेंगे। तो इफ को लिखते हैं और कंडीशन डालते हैं इफ x इक्वल इक्वल टू 1 और y इक्वल इक्वल टू 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, याद रखिएगा ln नहीं रहेगा एस्ट्रिक, और else का डाल देते हैं जिसमें हमें स्पेस प्रिंट करनी है। लास्ट में हम लाइन चेंज कर देंगे जो कि आउटर लूप में रहेगा। अब इसके बाद इसको कंपाइल करके क्लोज कर देते हैं, नया इंस्टेंस बनाते हैं और लूप को रन करते हैं। तो ये हमारा टी प्रिंट हो चुका है जो कि है 5x7 का। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए द खुरापाती माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे लेटेस्ट खुरापाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा वो रेड बटन। धन्यवाद।